आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। गैरसैंण में आपको बताएं कि कुछ ये जो बजट है नया लेकर आएगा, ये सीएम बताते हैं, आम आदमी के लिए बड़ा संदेश देने वाला होगा ये बजट, ये जानकारी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी है। तो आज दूसरा दिन है, कल शुरुआत हुई थी जहां पर वॉकआउट कर देता है विपक्ष, उसके बाद आज दूसरा दिन है, अभिभाषण पर चर्चा होनी है। बाकी की जानकारी हमारे सहयोगी रवि कैथोरा से लेते हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, ये बताइए कि अच्छे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए संदेश दे रहा है, बड़ा होगा ये बजट, इस तरह की बातें तो निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन साइड बाय साइड विपक्ष की भी तैयारी है हंगामा काटने की, तो किस तरह की तस्वीर आ सकती है सामने? जी बिल्कुल सुनेलता, हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से, क्योंकि बजट सत्र आज दूसरा दिन है और कार्यवाही शुरू हो गई है 11 बजे से, मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है साफ तौर पर इतना तो स्पष्ट होता है कि उन्होंने कहा है कि बजट जो है ऐतिहासिक होगा और कुछ ना कुछ नया लेकर आने वाला है। वैसे हम कह सकते हैं कि इस बार क्योंकि चुनावी वर्ष है और मौजूदा सरकार का यह आखिरी बजट होगा, वैसे में कहीं ना कहीं इस बजट से काफी उम्मीदें जिस तरीके से लोगों को है उन उम्मीदों पर ही बजट खरा उतरेगा, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विपक्ष भी लगातार हमलावर है सरकार पर, और बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही तमाम जो प्रश्नकाल है वो शुरू हुआ है, और जो विपक्ष के जितने भी सवाल हैं, चाहे वो बेरोजगारी के मसले पर हो, महंगाई को लेकर हो, या फिर कल हुआ घाट और नंदप्रयाग का आंदोलन हो, उसको लेकर जो है विपक्ष सरकार पर जो है हमलावर शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है। जी चलिए रवि, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चुनावी साल है, जाहिर तौर पर आम से खास हर किसी की नजर इस बजट पे होगी, कैसे लोक लुभावन वादे किए जाते हैं ये